जनसुराज पदयात्रा में कैसी होती है प्रशांत किशोर की दिनचर्या, क्या क्या होता है 20 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान, जानिए हर एक जानकारी। न्यूज 9 टाइम्स से संपादक संजय कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। 2 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई प्रशांत किशोर की पदयात्रा अब तक 2 महीने से अधिक का सफर तय कर चुकी है। पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा जिले में 48 दिनों तक चलने के बाद अभी पूर्वी चंपारण के गांव में रोजाना लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। इस दौरान प्रशांत किशोर रोजाना हजारों लोगों से प्रत्यक्ष तौर पर मिलते हैं, उनसे संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। प्रशांत किशोर अपने भाषणों में बताते हैं कि पदयात्रा के माध्यम से वे बिहार के हर जिले में जाएंगे और लोगों की समस्याओं को समझेंगे। इस दौरान पश्चिमी चंपारण की तरह वे हर जिले में लोगों से यह भी पूछेंगे कि क्या जनसुराज अभियान को एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए अथवा नहीं। जनसुराज पदयात्रा अभी तक 700 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर चुकी है। अभी इस यात्रा में 2800 किलोमीटर से अधिक का सफर बाकी है। बड़ी रैली नहीं, सड़क किनारे छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से लोगों से संवाद करते हैं प्रशांत किशोर। जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर तंबुओं से बनाए गए पदयात्रा कैंप में ही रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं और सुबह वहीं से अगले पड़ाव की ओर निकल जाते हैं। उनके साथ कैंप में सैकड़ों पदयात्री भी रुकते हैं, इनमें से ज्यादातर 2 अक्टूबर से ही उनके साथ चल रहे हैं। प्रशांत किशोर की सुबह लगभग 9 बजे से शुरू हो जाती है। सुबह तैयार होकर वे 9 बजे अपने टेंट से बाहर निकल जाते हैं और यहीं से उनके दिन की शुरुआत होती है। आमतौर पर प्रशांत किशोर रोज सुबह सबसे पहले स्थानीय पत्रकारों से मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। पत्रकारों के साथ उनकी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों बातचीत होती है। प्रशांत किशोर पत्रकारों के बारे में पूछते नजर आते हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर जिस प्रखंड में होते हैं वहाँ के स्थानीय जनसुराज प्रखंड समिति के सदस्यों के साथ मिलते हैं और जनसुराज की सोच और आगे की रणनीति पर चर्चा करते हैं। इसके बाद लगभग 11 बजे प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों, प्रखंड समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों के साथ दिन के लिए प्रस्तावित पदयात्रा पर निकल जाते हैं। प्रशांत किशोर एक दिन में लगभग 18 से 22 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और शाम को दूसरे कैंप में पहुंच जाते हैं। इस दौरान वे दिन में करीब 6 से 7 गाँव और पंचायतों में छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते हैं और लोगों को पदयात्रा का उद्देश्य समझाते हुए इस नए प्रयास पर उनकी राय मांगते हैं। ध्वनि मत से लोगों का आशीर्वाद मिलने के बाद सभी गांववासी प्रशांत किशोर को अपने गांव की सीमा तक छोड़ आते हैं। कुछ ग्रामवासी पूरे दिन भी पदयात्रा में साथ चलते हैं। प्रशांत किशोर की सभाओं की खास बात होती है कि लोग उनसे उनके विजन के बारे में सवाल भी पूछते हैं और अपनी सभी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रशांत किशोर तसल्ली से सबके सवालों का जवाब देते हैं और उनसे और बेहतर करने का सुझाव भी मांगते हैं। लगभग 2 बजे के आसपास सभी पदयात्री दिन के भोजन के लिए रुकते हैं। आमतौर पर किसी स्कूल के ग्राउंड में भोजन की व्यवस्था होती है और सभी पदयात्री वहां भोजन करते हैं और लगभग आधे घंटे विश्राम करने के बाद आगे की दूरी तय करने के लिए निकलते हैं। ग्रामीण महिलाओं के आशीर्वाद से आगे बढ़ता जनसुराज का कारवां। पदयात्रा के दौरान जो बात सबसे ज्यादा रेखांकित करने वाली है वो है बड़ी संख्या में महिलाओं का सड़कों पर निकलकर पदयात्रा का स्वागत करना। पदयात्रा के दौरान हर दिन स्थानीय महिलाएं प्रशांत किशोर के साथ चलती हुई नजर आती हैं। प्रशांत के द्वारा लगातार उठाया जा रहा पलायन का मुद्दा महिलाओं के दिलों को छू रहा है। साथ ही गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से परेशान महिलाएं प्रशांत किशोर के बयान पर ताली बजाती हुई नजर आती हैं। कई ग्रामीण महिलाएं इस पदयात्रा को बहुत ही पवित्र नजरिए से देखती हैं और प्रशांत किशोर को आत्मीय तरीके से आशीर्वाद देती हुई नजर आती हैं। गांव के बच्चों के लिए पदयात्रा तो जैसे मेले के समान होता है। गाने, झंडे और टोपी के पीछे दौड़ते बच्चे पदयात्रा के दौरान मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। दिन भर की दूरी तय करने के बाद प्रशांत किशोर लगभग 8 बजे सैकड़ों पदयात्रियों के साथ पदयात्रा कैंप पहुंचते हैं और वहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों को कैंप में संबोधित करते हैं। इसके बाद सब लोग एक साथ भोजन करते हैं। भोजन के बाद प्रशांत किशोर कुछ मिलने आए लोगों से मुलाकात करते हैं
और अगले दिन की तैयारी का जायजा लेकर अपने टेंट में विश्राम के लिए चले जाते हैं। न्यूज़ 9 टाइम्स।